जय श्री कृष्णा, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। और ये है इमली, तो मैंने इसमें गरम पानी डाल दिया है और इसको हम गरम पानी में ही गलाएंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगी। तो बस मैंने इतना ही पानी डाला है कि इमली भीग जाए। और ये 1 घंटे के बाद देखिए कितनी बढ़िया फूल गई है। और ये क्या बीजे वाली लिए, मैंने बीज नहीं निकाले थे। और इस तरह से हम इसको मसल मसल के इसका पल्प निकाल लेंगे तो इसके जो रेशे वगैरह है ये सब निकल जाएंगे। और इसी को अच्छे से मस लेंगे और एक छन्नी में छान लेंगे। और छान के इसका हम अच्छा पल्प निकाल लेंगे। तो अभी हम एकदम पानी नहीं डालेंगे, हम निकालते जाएंगे पल्प और पानी इसमें अच्छे से मसलते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये पल्प निकल रहा है। और ये निकल गया है पल्प, मैं और दूसरा ले लूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट भी करिएगा। तो मैंने इसको, तो देखिए इतना निकल गया है। और इसमें और हम पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको भी अच्छे से मसल मसल के हाथ से इसका पूरा पल्प हम निकाल लेंगे। और अगर आपके पास बिना बीज वाली इमली है तो आप इसको मिक्सी में पीस के भी पल्प बना सकती है, लेकिन मैंने ये बीज वाली इमली थी तो मैंने बीज वगैरह नहीं निकाले, उनको ऐसे ही गला दिया था। और उसके जो रेशे वगैरह रहते हैं वो बहुत अच्छे से सब निकल जाता है। अगर हम बीज वाली इमली भी गला के चटनी बनाते हैं तो अच्छी बनती, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। इस तरह से हम बार बार पानी डालकर इसका पूरा पल्प निकाल लेंगे। देखिए ये जो ऊपर कितना ऐसे निकला है ये सब हम इसको फेंक देंगे। और जो इसका पल्प है बहुत ही स्मूथ पल्प है, इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़े भी रेशे वगैरह। और देखिए ये पल्प बहुत ही अच्छा और स्मूथ पल्प बना है, इसमें कुछ भी रेशे वगैरह नहीं है। और इमली को एक बार मैंने और पानी डाल के मसल लिया है अच्छे से और पूरा अच्छे से पल्प निकाल लिया है। और गैस पे कढ़ाई रख दी और ये पूरा जो हमने इमली का पल्प निकाला ये कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसमें उबाल आने देंगे। और ये वाली चटनी हम 1 महीने तक आराम से रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है, बस इसको उबालने में थोड़ा टाइम चाहिए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कटोरी गुड़। तो मैंने जितना इमली का पल्प था उतना ही गुड़ लिया है और इसमें मैंने डाल दिया। तो ये 1 कटोरी गुड़ मैंने इसमें डाल दिया है। गुड़ को थोड़ा बारीक कर लिया था मैंने। और अब आने देंगे हम अच्छे से उबाल। इस तरह हिलाते जाएंगे, अगर नहीं हिलाएंगे तो गुड़ चिपक जाएगा, नीचे जल जाएगा। तो लगातार हिलाते रहे। और
इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, जीरा भून के पीस लिया था, और इसमें अच्छे उबाल भी आने लग गया है, और थोड़ी सी लाल मिर्च, काला नमक, और सादा नमक, ये सब चीज़ें डाल के हम अच्छे से उबलने देंगे। और आप चख ले, अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ कम ज़्यादा है तो आप अपने अनुसार डाल ले। और देखिए अच्छे से उबल गई है, और हम उबालेंगे थोड़ी सी देर। ये हींग डाल दी, तो कम से कम 10 से 15 मिनट हमें उबालना है। और ये अभी आपको पतली लग रही है, लेकिन ठंडी होने के बाद एकदम गाढ़ी हो जाएगी। अब गैस बंद कर दिया है, और इसको हम एकदम ठंडी हो जाने देंगे कम से कम 5-6 घंटे में, ऐसे ही इसी कढ़ाई में रहने देंगे। और देखिए ठंडी होने के बाद ये इतनी गाढ़ी हो जाएगी, तो ज़रूर बनाइएगा आप लोग। जय श्री कृष्णा।